तो वेलकम एवरीवन, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस डिस्कशन एंड डिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। फिर से हम सृष्टि दबास मैम की जो कॉपी थी, राइट, विजन आईएएस को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, ये उन्हीं की कॉपी है। तो उनकी कॉपी को हम एनालाइज कर रहे हैं, हालांकि ये GS3 की है, इन्होंने यहाँ GS1 लिखा हुआ है। खैर छोड़िए, तो ऑलरेडी इन सब चीजों को हमने यहाँ पे देख लिया है, राइट। काफी सारी चीजें हम बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर पाए हैं इस सीरीज की। देखिए, एक अच्छी बात ये भी है कि वो सारी चीजें हम साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं जो 2024 मेंस हमारे साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन की भी एक अच्छी सीरीज है। और हमारा यहाँ पे तरीका क्या होता है कि पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पे खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप भी करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे टॉपर ने उस नॉलेज को स्ट्रक्चर कैसे किया है, राइट। और एक बात, इनकी कॉपी हम क्यों इतना जोर दे करके एनालाइज करें, आप पाएंगे कि इन्होंने बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड कंटेंट के साथ अच्छे आंसर लिखे हुए हैं, गैप भी इनका बहुत बढ़िया है, तो वो स्ट्रक्चरिंग हम यहाँ पे सीख रहे हैं। देखिए, 13 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, राइट। इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूनियन बजट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, येट नाइदर बजटरी प्रोसेस नॉर द बजट पॉलिसीज कम अंडर सब्सटेंशियल पब्लिक स्क्रूटनी, डू यू एग्री, राइट। देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत अटपटा सा है इनका, कि यूनियन बजट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, येट नाइदर द बजटरी प्रोसेस, ओके, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बजटरी प्रोसेस, नॉर द बजट पॉलिसीज कम अंडर सब्सटेंशियल पब्लिक स्क्रूटनी, ये तो नहीं है, राइट। इसमें आपको बताना है भैया, सब्सटेंशियल पब्लिक स्क्रूटनी कौन इसमें मेनली कर रहा है? नंबर वन, इंटरनल डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनी होती है सबसे पहले तो, राइट। दूसरी बात, कौन ये कह रहा है कि स्क्रूटिनी नहीं होती है बजट के, स्पेशली बजटरी पॉलिसीज के? जो एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी बजट के हर एक उसे, ठीक है, हर एक कंपोनेंट को, हर एक डिमांड फॉर ग्रांट को, उस चीज को एनालाइज जरूर करती है एस्टीमेट कमेटी, उस बजट के एस्टीमेट्स को एनालाइज करती है। तीसरी बात, स्पेशली जब बजट पास हो चुका होता है, पास होने से पहले जो डीआरएससीज होती है, जो डीआरएससीज हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, बजट के पास होने से पहले ये उन डिमांड्स को पहले स्क्रूटिनाइज कर लेती है, और जब ये सब चीजें हो गई, फिर आपका बैठा है अब्बा कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये उसे स्क्रूटिनाइज करेगा, कैग अपनी रिपोर्ट देगा, फिर ठीक है, ये प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फाइल करेगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट, राइट, फिर ये वहां पे स्क्रूटनी कौन करेगी? आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, समझ रहे हो बात को? तो इतना सारा स्क्रूटिनाइजेशन का मैकेनिज्म है, ये है, ठीक है, ऑपोजिट साइड में, राइट। हालांकि बजटरी जो प्रोसेस है, ये पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर नहीं होता है। बजट का जो प्रोसेस है, ये फॉर्म कैसे हो रहा है, ये पब्लिक की स्क्रूटनी में नहीं होता है, राइट। इसमें आप पब्लिक रिव्यूज जरूर लेते हैं वेरियस, ठीक है, जो ठीक है, जो आपका स्पेशली जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, DE है, ये बजट को बनाता है, इसका बजट डिवीजन बजट को बनाता है, तो पब्लिक से व्यू जरूर लेते हैं वेरियस गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन से, ठीक है, या फिर वेरियस इकोनॉमिक इकोनॉमी के वेरियस प्लेयर से, प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, NGO से, इनसे सजेशन जरूर आते हैं बजट के लिए, लेकिन ये स्क्रूटिनी के अंडर नहीं होता है प्रोसेस। तो ये बात सही है। अब आपको इसमें क्या बताना है, देखो 250, ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताना है कि बजट अफेक्ट्स एवरी सेक्टर, तो कौन कौन से सेक्टर, कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी का, ठीक है, जो 2024 वाला बजट है, इसका एग्जाम्पल दे दे करके हम कह सकते हैं कि MSME के लिए इन्होंने ये प्रावधान किया है के लिए, ठीक है, एक जो नई है आपकी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एटसेट्रा लाई गई है, फिर आप इसमें वुमेन लिख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कुछ है, राइट। आप इसमें ठीक है, PLI स्कीम एटसेट्रा, इन सारी चीजों का रेफरेंस दे करके अलग अलग सेक्टर्स, ठीक है, जो 14 सेक्टर इसमें इंक्लूडेड है, इन सारी चीजों का हम इसमें रेफरेंस दे सकते हैं, ये बहुत छोटा सा फ्लो चार्ट बना करके कि हर सेक्टर में इसका इम्पैक्ट है, ये शो करना है, फिर बाद में इन दो पॉइंट्स को, जो जैसे हमने डिस्कस किया, एड्रेस किया जा सकता है, राइट। इसका बहुत ही रॉ सा आंसर अगर मैं लिखता तो इसका बहुत रॉ आंसर बनता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं अभी भी इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें, कि बजट इज द डॉक्यूमेंट हाईलाइटिंग द एक्सपेंडिचर, है ना। आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी आप इसमें कोट कर सकते हैं मन करे तो, 108 से लेकर 110 तक का जो प्रोविजन है वो इसमें लिखे जा सकते हैं।
ऑफ द करंट ईयर्स एज वेल एज एक्चुअल ठीक है फिगर्स ऑफ प्रिसीडिंग ईयर्स कम्स, ये देखो इन्होंने भी वैसे किया, अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, वो कैसे एग्रीकल्चर एलोकेशन ऑफ एमएसपी ठीक है, हाँ पीडीएस एटसेट्रा, वही कॉमन से पॉइंट्स हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्री पॉलिसीज एटसेट्रा, ये वही कॉमन पॉइंट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन इसमें ऐड नहीं किया गया है राइट। तो देन उसी तरीके से इंडस्ट्री की न्यू स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया एटसेट्रा, पीएलआई स्कीम, रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एटसेट्रा ठीक है, टोल कलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फंडिंग, सर्विसेज, एलोकेशन, फिनटेक, फिर आप इसमें डिमांड भी लिख सकते हैं कि भैया डिमांड जनरेट करने के लिए जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है इसका बड़ा रोल रहता है ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, इस तरीके के कीवर्ड्स आप इसमें डाल सकते थे राइट। मनी मल्टीप्लायर को क्रिएट करने में इसका बड़ा रोल होता है ठीक है, जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा मनी मल्टीप्लायर उतना बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा, इन सब चीजों का इसमें रेफरेंस इन्होंने दे करके पहला पेज भर दिया। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन पेज भरने वाला था। बजट है देखो भाई, इन्होंने भी सेम वही अप्रोच इसमें अपनाई है कि बजटरी पॉलिसीज इस तरीके से अफेक्ट होती है और बजटरी ठीक है प्रोसेस इस तरीके से, नॉट इन सब्सटेंशियल पब्लिक स्क्रूटनी, इन्होंने यहाँ बता दिया कि कैसे इंटरनल डिस्कशन एंड डिबेट्स नॉट लाइव एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस ठीक है, एंड मीटिंग्स एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज नॉट ठीक है डिस्क्लोज्ड। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस तो इससे भी शील्डेड होता है, तो बजटरी जो प्रोसेस है ये पब्लिक स्क्रूटिनी में लाने के लिए बाध्य भी नहीं है सरकार, ये बहुत सीक्रेटली बनता है बजट का डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो, प्रोसेस तो नहीं है, बजटरी पॉलिसीज होती जरूर है कि ओनली की डायमेंशन आर नोन कि टोटल एलोकेशन एटसेट्रा, यस ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया, ये टोटल एलोकेशन आपको बताया गया है कि इतना 1000 करोड़ हम इसमें डालने वाले हैं, किसको कितना मिला ये नहीं वो बताते हैं, समझ रहे हो, सो देयर इज नो सब्सटेंशियल पब्लिक स्क्रूटिनी। दिस लीड्स टू द चैलेंजेस लाइक वाओ, ये डायमेंशन हमने मिस कर दी थी, टॉपर्स इन चीजों को भी देखते हैं कि भैया स्क्रूटिनी में ना होने के चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या होते हैं राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मिस फिजेंस एंड माल फिजेंस, अच्छा ठीक है, आप इसे मिस एलोकेशन एटसेट्रा आप इसमें लिख सकते हैं, मिस मैनेजमेंट, करप्शन ठीक है, एमएलए ठीक है, हाँ जो एमपी लेड्स एटसेट्रा, इस चीज में इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इसमें करप्शन वगैरह हो सकता है इससे, है ना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब देखो स्पेस मैनेजमेंट को देखो, इतना चौड़ा ये पेपर है, ये यहाँ से लिख रहे हैं यहाँ तक लिख रहे हैं, और वर्ड जैसा नहीं है चिपटा के लिखे हुए हैं, यूटिलाइजेशन को आप इतना भी लिख सकते थे, यूटिलाइजेशन यहाँ भी तो आ गया, यूटिलाइजेशन, समझ रहे हो बात को राइट। सो ये एक इम्पोर्टेंट, ये टॉपर्स का तरीका है लिखने का, इसी वजह से ये फिनिश करते हैं पेपर। स्क्यूड एक्सपेंडिचर, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, 70-80% एलोकेशन जो है वो यूज ही नहीं हुआ है राइट। देन एम्फेसिस ऑन आउटपुट बेस्ड फाइनेंसिंग देन आउटकम बेस्ड, तो इस तरीके से इन्होंने कीवर्ड कहीं कहीं से अरेंज करके डाल दिए हैं। अब ये अच्छा कीवर्ड है, हमें जब भी इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन लिखना हो तो उसमें हम आउटपुट वर्सेज आउटकम ये इसका जरूर रेफरेंस देंगे। देन नंबर ऑफ स्कूल एंड हॉस्पिटल काउंटेड नॉट, है ना, इसमें एग्जाम्पल दिया इन्होंने, नॉट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये कॉमन सा पॉइंट, आम तौर पे अगर मैं अपने भी एग्जाम्पल देता तो मैं ठीक है मैं इस इतने कॉमन से पॉइंट को कंसिडर करने के लायक ही नहीं हूँ, मतलब ये दिमाग में आता ही नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉमन से पॉइंट ये आते ही नहीं है, हम बड़े बड़े पॉइंट कुछ सोच लेंगे, कॉमन कॉमन जो हमारे आसपास हो रही है वो आंसर राइटिंग के टाइम पे नहीं आते हैं राइट। तो बट टॉपर्स नो दिस आर्ट, देन बट बजटरी प्रोसेस एंड पॉलिसीज आर ऑल्सो अंडर पब्लिक स्क्रूटनी, तो इन्होंने वो इसमें चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि द अकाउंटेबिलिटी चेक्ड बाय पार्लियामेंट, वही चीजें एमएलए एमपी एंटायर बजटरी प्रोसेस, डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन ठीक है, सब टारगेट्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड। इसमें इन्होंने कैग का कोई रेफरेंस नहीं दिया है ना, DRSC का कोई रेफरेंस नहीं दिया, ये चीजें देनी चाहिए थी। एडजोर्नमेंट मोशन, ऑपोजिशन कीप्स चेक थ्रू क्वेश्चन आर एडजोर्नमेंट मोशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब ठीक है, लेकिन एस्टिमेट कमेटी एटसेट्रा इसमें मेंशनेबल थी राइट। हेंस फर्दर देयर नीड टू एंश्योर, ठीक है ओके, सो वी नीड टू एंश्योर क्या ये मोर ट्रांसपेरेंसी, वही वही कॉमन सी चीजें, RTI क्वेरी एटसेट्रा एंड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ बजट प्रिपरेशन मीटिंग्स, ये अच्छा पॉइंट है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ बजट प्रिपरेशन मीटिंग्स, हालांकि ये इतना पॉसिबल नहीं होता है राइट, बजट को रखा ही जाता है सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाय, नहीं तो अगर
हर एक मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग कर दी जाए, शेयर मार्केट कभी यूं धक करके ऊपर जाएगा, कभी थक करके नीचे आएगा, समझ रहे हो? तो शेयर मार्केट तो फंसा ही है इन सारी चीजों के पीछे, तो इसे सीक्रेट रखा जाता है ना, इकोनॉमी को शॉक से बचाने के लिए। किसी ने, है ना, कोई जाएगा, हाँ, कोई पागल आदमी जाएगा अंदर बजट की मीटिंग में, कुछ भी बोल देगा शेयर मार्केट ऊपर, कुछ भी बोल देगा शेयर मार्केट नीचे, समझ रहे हो? वो होता है ऐसा, शेयर मार्केट ऐसे ही रन करता है। तो मेन रीजन इज दिस कि फ्लक्चुएशन, फालतू की फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए, स्पेकुलेशन को अवॉइड करने के लिए सीक्रेट रखना प्रोसेस को जरूरी भी है। दिस विल एंश्योर द पीपल्स ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, डन। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन कि इंडिया हैज बीन एबल टू ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम मिल्क डेफिसिट। देखो, इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिर्फ इस एक कॉपी से पढ़ लिए। वो बजट का इतना अच्छा क्वेश्चन हमने देखा जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। दिस इज वाई टॉपर कॉपीज आर इम्पोर्टेंट। भाई अभी कितने हैं, 24 तारीख है, अभी 26 दिन बचे हुए हैं अगले मेंस के लिए। जैसे किसी ने आज सुबह कमेंट भी किया था कि डेली ये वीडियो लाओ, तो डेली मैं ये कोशिश करूंगा कि ये मेंस तक एटलीस्ट 17-18 तारीख तक ये जो है डेली आती रहे। राइट, सो यू कैन डेली अटेंड इट। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ठीक है? आप बताते रहते हैं तो मेरा मन भी करता है फिर लाने का। देन इंडिया हैज बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम मिल्क डेफिसिट कंट्री टू वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, बट द प्रोडक्टिविटी ऑफ डेयरी एनिमल्स इन द कंट्री रिमेन्स अ कंसर्न। देखो, ये बात बिल्कुल एकदम सही है, बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, राइट। लेकिन जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है, और बिगेस्ट लाइव स्टॉक के फार्मर भी है, लेकिन लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, ये एक कंसर्न है। ऑनेस्टली मेरे पास इस वक्त, ठीक है, इस वक्त डेटा नहीं है। आई होप इन्होंने यहाँ पे डेटा वगैरह डाला होगा कि कितना ये मिल्क, हाँ यहाँ देख लो, ये इन्होंने डेटा डाला हुआ है कि 190 मिलियन टन कॉन्स्टिट्यूटिंग 24% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ये मैं एक बार वेरीफाई जरूर कर लूंगा, लेकिन ये डेटा अच्छा है। यहाँ जी अब ध्यान में रह गया कि मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का इतना ज्यादा है, लगभग 1/4 दुनिया का मिल्क इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने तुक्का भी मारा होगा, देख लेना अपने हिसाब से कितना हम प्रोड्यूस करते हैं। बट लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी शो करने के लिए अभी इतना, ये मेरे पास भी डेटा नहीं है। ये अच्छी चीज हुई यहाँ पे कि ये क्वेश्चन देख लिया। डेटा लाना इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट होती है। रिमेन्स अ कंसर्न डिस्कस। तो बस इसमें हमने डायमेंशन क्या, ठीक है, आइडेंटिफाई करी। सबसे पहले ये बताना है कि इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ओके। बट प्रोडक्टिविटी, व्हाई इज प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी अ कंसर्न, कि ये लो प्रोडक्टिविटी के कारण क्या है, पहले हमने ये बताना है। फिर ये बताना है कि भैया इसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सिंपल, दो तीन डायमेंशन इसकी बस जो है ओपन यहाँ पे होती है। तो लो प्रोडक्टिविटी के कारण क्या है भैया? पुअर ब्रीड एनहांसमेंट, पुअर ब्रीड एनहांसमेंट, ठीक है, या फिर इवन पुअर फीड अवेलेबिलिटी, ठीक है, फीड क्रिएशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली जो डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि मार्केटिंग ऑप्शन उतने अच्छे नहीं है। तो फिर जो फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर एटसेट्रा है, ये भी इसमें डेयरी बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट एटसेट्रा, ये सब चीजें इस तरीके से जुगाड़ करके, ठीक है, इस आंसर को लिखा जा सकता है। बाकी इसमें वे फॉरवर्ड तो बनता है, राइट, कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री अबाउट, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, ओके, मिल्क डेफिसिट, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क सरप्लस। वाओ, तो इन्होंने ये एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड किया, ठीक है, हम ये मिस करने वाले थे, लेकिन इन्होंने ये एस्पेक्ट यहाँ पे जरूर इंक्लूड किया कि बीच में व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई, अब हम मिल्क सरप्लस में है। व्हाइट रेवोल्यूशन लेड टू ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, कैटल रियरिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनहांस्ड ब्रीड ऑफ काउस एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ग्लोबली। ये एक है, ये बात देख रहे हो आप, अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है, ये इन्होंने एक ही बात 4 पॉइंट्स में लिखी हुई है, समझ लो, ये एक ही बात है सारी 4 पॉइंट्स में लिखी हुई है। बट वी मिस्ड इट, है ना? अब क्योंकि आंसर भरना होता है, राइट, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जरूर ये ऐड कर दिया कि व्हाइट रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा है बीच में, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, राइज ऑफ FPOs, जैसे आप इसमें वो अमूल अमूल कोऑपरेटिव का एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, एंड बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वही सब चीजें, ठीक है। ये एक ही चीज इन्होंने 6 बार यहाँ पे बताई हुई है। येट प्रोडक्टिविटी इज अ कंसर्न बिकॉज, अब आए ये पॉइंट पे कि
कि लेस एंड पुअर फॉडर एंड फीड इट, वही पॉइंट जो हमने बोला कि पुअर फीडर फीड की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी पुअर है. देन वेटरनरी यूजेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन एज एनहांसर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइक्लोफिनाक का यूज होता है, ठीक है, तो एनिमल्स पे, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी जा सकती है. इंजेक्शन ऑफ कोला स्टाम, ये नहीं मुझे पता ये क्या है, अफेक्ट द डेयरी एनिमल्स इन लॉन्ग रन, ओके, डिस्पाइट शॉर्ट टर्म गेन्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्टिविटी, एंड ऑब्वियसली द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन वो फिर इसे क्वालिफाई करवाएंगे भी नहीं. देन फार्मर्स फोकस ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी डेयरी फार्मिंग फार्मर इंडिया में है, कोई स्पेशली डेयरी फार्मर बहुत कम है, ठीक है, वो बाय द वे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, मेनली वो एग्रीकल्चरलिस्ट है, बाय द वे डेयरी फार्मिंग उनसे हो गई, ऐसे समझो गलती से हो गई, तो वो डेडिकेटेड डेयरी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो दे कंसिडर इट एज अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस इज ऑल्सो इशू, लेस फोकस ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग एटसेट्रा. तो इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे ये सारे इश्यूज इसमें हाईलाइट किए. हाइब्रिड कैटल ये कम है, है ना, कंजर्वेटिंग माइंडसेट ऑफ फार्मर्स, रिस्क ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड एसोसिएटेड लॉस्ट एटसेट्रा. देखो ये पूरी टेक्निक होती है पेज भरने की, यही चीज वो लिख सकती थी एक भी पॉइंट में, लेकिन नो, दे हैव टू शो दैट यस वी नो द थिंग्स, है ना, क्योंकि क्वेश्चन टफ है. एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत टफ है, स्पेसिफिक डेयरी सेक्टर से लिखा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है. पिछले साल उन्होंने एमएसएमई, उससे पिछले साल उन्होंने एमएसएमई पे पूछा, पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग पे पूछा, ठीक है, एफपीओज पे पूछा हुआ है, डेयरी में भी आ सकता है, पूछा नहीं है, डेयरी में आ सकता है, एफपीओज पे तो आते रहते हैं, समझ लो. देन फेलियर ऑफ एफपीओज एंड कोऑपरेटिव्स, ये सारी चीजें, फाइनेंसिंग चैलेंज, पुअर, ये सारे चैलेंज इन्होंने इसमें लिख दिए. Hence, there is a need to enhance the incentives for farmers, focus on food processing industry या dairy processing industry, ठीक है. So, schemes like dairy सहकार स्कीम etc. ये सारी schemes को हमें promote करने की ज़रूरत है. एक दो और scheme आप जिसमें अभी अगर याद कर पा रहे हो तो, जैसे वो क्या कहते हैं उसे, आई थिंक देर वॉज दिस यार, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फंड है, वैसे ही डेयरी के लिए भी एक फंड क्रिएट किया गया था, मैं उसे भूल गया, राइट. देन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके लिए है ना कई ये इंसेमिनेशन के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. देन आपका ई गोपाला ऐप है, ई गोपाला ऐप, ठीक है, ब्रीड एनहांसमेंट के लिए. तो इन सारी चीजों का हम इसमें लिख सकते थे रेफरेंस देकर के, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा, वही सब चीजें. टू रेजुविनेट द व्हाइट रेवोल्यूशन, वी नीड अ न्यू व्हाइट रेवोल्यूशन टू क्रिएट, ठीक है, डेयरी हब ऑफ इंडिया एज अ डेयरी हब ऑफ द वर्ल्ड. तो इस तरीके से इन्होंने इसे एड्रेस किया. अभी काफी लंबी ये वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कम करेंगे कि वाइल्ड क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप फेलियर्स. ओके, पहले बताना है क्लाइमेट चेंज ने क्रॉप फेलियर कैसे किए. देन एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बाई एग्रीकल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है. फिर ये दिखाना है, व्हाट स्ट्रेटजी हैज बीन अडॉप्टेड अंडर नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. ओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई प्लान है टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडिया. मुझे सही में नहीं पता था कि नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी कोई ऐसी चीज है. तो पहले तो सीधा आप क्लाइमेट चेंज, आप जो है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट से कह सकते थे कि क्लाइमेट चेंज जो है हमारे हाथ से निकलने वाला है. ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का ये जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ये भी मिस होने वाला है, समझ रहे हो. पहले इस तरीके से हम कुछ लिखते थे, फिर हम लिखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप फेलियर्स. बताने हैं 4-5 पॉइंट जो बहुत नॉर्मल से हैं, सभी को मालूम है. फिर बताना है एग्रीकल्चर का क्या रोल है भैया, हाइएस्ट जो है मीथेन एमिटर एटसेट्रा, वो सारी चीजें, ठीक है, आप जो है फ्लड इरिगेशन जब भी करते हो इससे, राइट. देन राइट, बाकी सारी चीजें, जैसे आप ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एटसेट्रा करते हो, यूट्रोफिकेशन होगा, उससे डेथ होगी, ठीक है, किसकी, आपके मैराइन ऑर्गेनिज्म की, उससे भी आपका कार्बन एमिशन होगा, फलाना फलाना, ऐसे लिंकेज ड्रॉ करके. तो वही चीज उन्होंने भी यहाँ करी, क्लाइमेट चेंज इज प्रिवेलेंट एज सीन फ्रॉम यूजिंग फिगर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है 150% इंक्रीज, मीथेन 260% इंक्रीज, नॉक्स
ये पता नहीं यार, ये इतना डेटा सही सही भी है या फिर याद कौन रखता है भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। राइट, इतना याद कैसे रख लिया है इन्होंने कि क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एग्रीकल्चर। भाई सर, नो 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 नो, सबसे पहले ये बताना था कि क्लाइमेट चेंज ने एग्रीकल्चर में क्रॉप फेलियर्स कैसे लाए हुए हैं, वो सब चीजें कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट आए हुए हैं, ठीक है, फ्लैश फ्लड, फ्लैश ड्रॉट एटसेट्रा, ये सब चीजें। फिर ये बताना था कि एग्रीकल्चर की वजह से क्यों है, कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, आपका जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है, आपका जो 90% ग्राउंड वाटर है ये एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, एयर पोल्यूशन, स्टबल बर्न बर्निंग एटसेट्रा, हम कैसे भूल गए, है ना, पंजाब का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मीथेन पोल्यूशन, वही सब चीजें जो हमने बोला कि मेजोरिटी ऑफ मीथेन पोल्यूशन इससे होता है, सॉइल पोल्यूशन, वो सब चीजें, माइक्रो क्रॉपिंग, है ना, वो सब, है ना, इरिगेशन एप्लीकेशन एटसेट्रा, फर्टिलाइजर्स, वही सब चीजें, यूट्रोफिकेशन, वही सब चीजें, डेड जोन का क्रिएशन, वही सब चीजें, समझ रहे हो। एंड ऑल दिस डिस्टर्ब द नेचुरल साइकिल ऑफ गैसेज लाइक, हाँ ये इन्होंने यहाँ लिंकेज डाल दी कि ऊपर जितना भी हुआ है तो ये गैसियस साइकिल्स को डिस्टर्ब करता है जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। फिर इन्होंने देखो, ये पहले आना था वो बाद में आना था, वही सब चीजें कि पेस्ट वगैरह डिजीज वगैरह इससे होता है, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस, वही सब चीजें, विशेष साइकिल जो ऊपर इन्होंने लिखा वही कि मोर मीथेन प्रोडक्शन, सॉइल डिग्रेडेशन, वो है ना, एक साइकिल इसमें बता दिया जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का साइकिल। नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, आई एम विशिंग एंड आई एम होपिंग कि इनको भी ये पता ना हो कि एक्चुअल में ये प्लान क्या है, लेकिन फिर भी मेजर्स तो बहुत कॉमन से लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि प्लान आपके अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा। जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर लिखा ही होगा, है ना, मिलेट फार्मिंग लिखा ही होगा, क्रॉप रोटेशन लिखा ही होगा इसमें, है ना, अच्छी बात है तो लिखा ही होगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जैसे जीरो टिलेज, जीरो वजन नेचुरल फार्मिंग लिखा ही होगा इसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा ही होगा भाई, है ना, ये देखो जीवामृत बीजामृत ये वापस आ एटसेट्रा, ये सब चीजें, ठीक है, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का वो है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा ही होगा रेजिलियंस लाने के लिए, येट स्ट्रेटेजी हैज चैलेंजेस टू फाइनेंसिस, फार्मर अवेयरनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, R&D चैलेंजेस भी लिख दिए, विच नीड टू बी टस्ट। देखो जब भी आप चैलेंज लिखते हो तो वे फॉरवर्ड लिखना होता है, बट जब आपके पास जगह ना हो चैलेंज का वे फॉरवर्ड लिखने के लिए, तो हमने ये लिखना होता है कि देर आर सर्टेन चैलेंजेस विच नीड टू बी टैकल्ड टू एंश्योर क्लाइमेट रेजिलियंट या फिर क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। सो वी डिस्कस्ड दीज क्वेश्चन, आई होप इससे थोड़ा परस्पेक्टिव मिला होगा, हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, कीप कमेंटिंग, कीप सजेस्टिंग, एज ऑलवेज लव यू ऑल, एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।